हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की हम लोग बात करेंगे। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की बात करेंगे। अब देखिए, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में आप देखेंगे तो एक तो राइजोपोडा की हम बात करेंगे, या राइजोपॉड्स भी आप कर सकते हैं। राइजोपॉड्स एक क्लास है जिसमें हम किसका स्टडी करेंगे, अमीबा का हम करेंगे। और एक सिलिएटा, तो सिलिएटा हम किसका स्टडी करेंगे, यहाँ पर पैरामीशियम का हम स्टडी करेंगे, पैरामीशियम। तो आज हम लोग बात करेंगे राइजोपॉड्स में, यानी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हम लोग राइजोपॉड्स की बात करेंगे। और उस राइजोपॉड्स के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे हम अमीबा की बात करेंगे। अमीबा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस माइक्रोस्कोपिक हम एनिमल की बात करेंगे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अमीबा का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग नाम देते हैं अमीबा प्रोटियस। क्या नाम है? अमीबा प्रोटियस, ये साइंटिफिक नेम है अमीबा प्रोटियस। इसी का स्टडी करना अमीबा प्रोटियस। तो आप लोग जानते हैं इसके अकरेंस की हम लोग अगर बात करें, कहाँ पर ये पाया जाता है, तो लगभग सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं कि अमीबा जो है सामान्यतः पोखरों और तालाबों में पाया जाता है, या फिर स्ट्रीमिंग। एक तो आप पॉन्ड्स लिख सकते हैं, डीटीज भी लिख सकते हैं। डीटीज का मतलब खाई होता है, तो डीटीज में भी आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी बह रहे हल्के हल्के, या रिवर्स में भी आप देख सकते हैं इसको, या कहीं वाटर का लॉजिंग हो गया वहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यह अमीबा को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर देखें यहाँ पर अमीबा की, जो मेन जो आप देखते हैं जो बॉडी की हम बात करते हैं, बॉडी की, क्योंकि इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पर। तो बॉडी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी जो बॉडी होती है वह इररेगुलर होती है। इररेगुलर का मतलब होता है अनियमित आकार के इनकी बॉडी होती है। अब क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक अमीबा का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। यह अमीबा का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, देख रहे हैं, यह एक इररेगुलर शेप हमने बनाया है। अब इसकी बॉडी में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ उभार इसके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। इस उभार को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया देखिएगा, नाम याद रखिएगा, स्यूडोपोडिया। हिंदी में इसको फुटपाल हम लोग नाम देते हैं, फुटपाल। यह बाहर जो बॉडी है, बाहर के बॉडी के चारों तरफ आप देख रहे हैं इस तरह के आउटग्रोथ डेवलप हो रहे हैं, उभार बन रहे हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के बारे में हम डिटेल स्टडी अभी करेंगे कि स्यूडोपोडिया क्या काम करता है इस एनिमल के अंदर। तो वर्क आपको बता रहे हैं कि पहला तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वह जो है फूड के इंजेक्शन में मदद करता है, यानी भोजन के अंतर ग्रहण में मदद करेगा। अब देखिए, इसके बॉडी के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्लाज्मा लेमा, पूरे बॉडी के बाहर जो है एक आउटर कवरिंग के रूप में प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप नाम दें यहाँ पर, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह आउटर कवरिंग के रूप में पूरी बॉडी के पर जो है यह कवर्ड होता है, इससे ढकी होती है। अब यह मेम्ब्रेन जो है आप देखेंगे, क्योंकि यह एनिमल कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक होता है यानी जल में पाया जाता है। तो जब जल में पाया जाता है तो वाटर इसके बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, माउथ वगैरह है नहीं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो है इसके बॉडी के अंदर कैसे जो है वाटर या रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, या फिजियोलॉजी का फंक्शन हो रहे हो, कैसे हो रहा है।
तो कोई निर्दिष्ट पोजीशन नहीं है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका माउथ है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब यह होगा कि कोई जो है वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, या उसके अलावा भी जो छोटे पदार्थ हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ऐसे भी परमिएबल है तो आसानी से आ जा सकते हैं। तो कुछ जो यह मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो आउटर कवरिंग का काम करेगी जो प्रोटेक्शन इसको देगी सेल को, और दूसरा बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको यह मेंटेन करने का काम करेगी। यानी जो है किनको जाना है, किन पदार्थों को अंदर लेना है, किनको बाहर करना है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर डिटरमिनेट करेगी। इसके अलावा जब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वह लिपिड और प्रोटीन से ही होता है। अब इसके बॉडी के अंदर एक बड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर आप देखें तो यह जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन में पाया जा रहा है। अगर इसकी भी जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, बॉडी इरेगुलर है, कभी भी चेंजेबल, हमेशा चेंजेबल फॉर्म में इसकी बॉडी होती है, इसलिए फिक्स पोजिशन तो नहीं कर सकते। लेकिन मानते हैं कि जो एंडोप्लाज्म है वह उस एंडोप्लाज्म के सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस जो है क्या करता है, एनिमल के अंदर होने वाले जितनी फिजियोलॉजी फंक्शन है सबको यह रेगुलेट करती है, उसको चलाने का काम करती है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है यह बॉडी का जो पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन, उस पोस्टीरियर रीजन में एक बड़ा सा यहाँ पर वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल इसको नाम देंगे हम लोग वैक्यूल। यह जो वैक्यूल्स है इसका पूरा नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं संकुचन सेल धानी इसको नाम देते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वह वाटर के ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में यानी छोटे छोटे बूंद के रूप में वह स्टोर होते हैं और आपस में वो फ्यूजन कर जाते हैं, एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो एक लार्जर वैक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी छोटी जो जल की बूंदें हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलकर फ्यूजन कर जाएंगे और उनके फ्यूजन से एक लार्जर जो है वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम बोलेंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को चलाने के लिए आप देखें यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ जो है यहाँ पर माइटोकांड्रिया का डेवलपमेंट होता है। देखिए ये जमाव है माइटोकांड्रिया का। अब आप देखेंगे यह जो माइटोकांड्रिया जो पाई जा रही है इसका काम क्या है, एनर्जी को लिबरेट करना यानी ऊर्जा उत्पन्न करना, और इसको देना इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि यह एनिमल एक्वेटिक है और इसके बॉडी के अंदर कंटिन्यूस क्या होगा, वाटर इसके बॉडी के अंदर आएंगे। जब वाटर आएंगे तो बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि कितना हम वाटर को रख सकते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर एक्सेस वाटर जो होगा उसको ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उसको बॉडी से रिलीज करता है। तो जब बॉडी से रिलीज करेगा तो ऑस्मो रेगुलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होगा कि बॉडी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बनाकर रखता है। हम देखिए इसमें छोटी बूंदे भी पाई जाती हैं, छोटी छोटी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, बड़ी होती हैं। यानी बॉडी को क्या कि एक्सेस वाटर को बॉडी से बार बार यह रिफिल कर रहा है, बाहर निकल रहा है, जिससे हमारी बॉडी क्या है एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बनी रहेगी, साम्यावस्था की कंडीशन में बनी रहेगी, जिससे इसकी बॉडी भ्रष्ट नहीं होगी। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो वेरिएशन है, जो ग्रेडियंट है, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बनाकर रखने का कार्य करती है। तो एक्सेस वाटर को क्या करेगी, बाहर रिलीज करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका नाम है। अब आते हैं, आप देखेंगे इसमें जो है जो साइटोप्लाज्म है उसकी हम बात करते हैं। इसके बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वह दो भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, दो भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, एक इनर उसको साइड बोलेंगे और दूसरा हम लोग आउटर बोल सकते हैं या पेरिफेरी रीजन उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा पेरिफेरी रीजन है या पेरिफेरी इसको बोलेंगे, पैरिफेरी बोलते हैं। पेरिफेरी रीजन में जो पाया जाएगा यहाँ पर पेरिफेरी रीजन में साइटोप्लाज्म जो पाया जाएगा इसको हम नाम देंगे एक्टोप्लाज्म, इसको नाम देंगे एक्टोप्लाज्म। या इसको अगर बोले दूसरा वर्ड इसके लिए एक यूज करें
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल। जेल जो है यह हम आउटर बाहर के तरफ परिधीय पार्ट में पाए जाएंगे और इनर की तरफ अंदर की तरफ जब आते हैं सेंट्रल लीजन में आप देखेंगे तो इस सेंट्रल लीजन में जो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं इसको क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्म। इसको नाम देते हैं एंडोप्लाज्म और इसको प्लाज्मा साल। दूसरा क्या नाम हमने दिया, प्लाज्मा शाल। शाल और जेल इसके भी चर्चा हम करेंगे यहीं पे। तो एक्टोप्लाज्म हो गया और एंडोप्लाज्म, यानी पेरिफेरी रीजन में क्या हुआ एक्टोप्लाज्म है और इनर सेंट्रल रीजन में क्या है एंडोप्लाज्म पाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के वैक्यूल्स इसके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यह वैक्यूल जो है इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फूड वैक्यूल। सॉरी फूड वैक्यूल का मतलब ये होता है खाद्य धाने इसको बोलेंगे। इसमें यह जो फूड पार्टिकल्स जो भी यह इंजेशन करते हैं बाहर से लेकर आते हैं उसका डाइजेशन इस फूड वैक्यूल के अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। और छोटे छोटे जो है यहाँ लिपिड के ड्रॉपलेट्स इसमें पाए जाते हैं, रिजर्व फूड पाया जाता है। यहाँ पर हाईलाइन बहुत सारे कैप भी डेवलप होते हैं इनके बॉडी के अंदर, लेयर एक बन जाता है पीछे की तरफ। अब हम चर्चा करेंगे पहले हम स्यूडोपोडिया। आपको एक चीज़ और इसमें हम बता दें ऐड कर दें, जो लोकोमोशन की हम बात कर रहे हैं यहीं पर इंजेक्शन की भी बात करेंगे और इसके डाइजेशन की हम बात करेंगे, यानी न्यूट्रिशन की टोटल बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। न्यूट्रिशन में आपको हम बता दें होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात बार बार अमीबा में होती है। ये स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर है एक तरह का, यह दूसरे एनिमल में पैरामीशियम और इसमें दोनों में पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि टोटली क्या होता है जो फूड होता है उसका इंजेक्शन यह कर लेता है। दूसरी चीज आप एक देखेंगे इरेगुलर शेप की हम बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे। तो मास्टर पेक्टिन साइंटिस्ट का नाम है मास्टर पेक्टिन ने यहाँ पर एक थियरी किया था जिसका नाम था साल जेल थियरी। अब इसमें देखेंगे साल जेल थियरी के अंदर अगर देखा जाए तो देखिए हमने जो एरो बनाया है या दीवार शेव का बनाया है दोनों तरफ शाल से जेल और जेल से साल। अब आप समझने का प्रयास करिए शाल हम जो लिख रहे हैं शाल इसके बॉडी के अंदर क्या है, जो अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म पाया जा रहा जिसको हम मोर फ्लूइड बोलते हैं, यानी अधिक जो है तरल होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया शाल रखा गया। जेल का मतलब ये होता है, जेल का मतलब एक गाढ़ा होता है सेमी सॉलिड की कंडीशन में होता है, जिसको जैन सब आप जैन बोलते हैं ना, तो सेमी सॉलिड की कंडीशन में होता है, वो फ्लो नहीं करता, वो बहता नहीं। तो सेमी सॉलिड की कंडीशन में जो जेल है तो साल से जेल और जेल से साल में आपस में क्या होता है कन्वर्जन होगा। तो हम बता रहे हैं कैसे कन्वर्जन होगा, तो ये समझ गया हूँ जेल का मतलब जो पेरिफेरी रीजन में पाया जा रहा है जिसको एक्टोप्लाज्म आप कह रहे हैं वह जेल है, और शाल मोर फ्लूइड यानी अंदर की तरफ जो सेंट्रल रीजन में पाया जा रहा जिसको हम नाम दे रहे हैं एंडोप्लाज्म नाम दे। तो साल से जेल और जेल से साल ये थीरीज के अंदर काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, सपोज दैट आप देखेंगे यहाँ पर कोई फूड है, देखिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल्स है और इस फूड पार्टिकल्स को क्या करना है, अमीबा इसको ग्रहण करना चाह रहा अपने बॉडी के अंदर इसको लेना चाह रहा। तो अब क्या करेगा, अब अपने बॉडी को क्या करेगा, यह रोटेट करेगा, बॉडी को क्या करेगा रोटेट करेगा। क्योंकि अब देखिए कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू यह फूड पार्टिकल को क्या करेगा, यह कैप्चर करेगा, तो इसमें स्यूडोपोडिया लगे हुए हैं। तब अब बॉडी को जब रोटेट करेगा तो जो भी स्यूडोपोडिया इसके आसपास होंगे वह जो है ऐसे मूव करेंगे, स्यूडोपोडिया इसके नज़दीक आएगा। अब क्या होता है कि जहाँ पर जब हम बॉडी को रोटेट करते हैं तो जो हमारा साल है वह इस जेल के पास, मान लीजिए सपोज दैट यही मूव किया यहाँ पर, तो ऐसे ही घुमा तो जो हमारा यहाँ पर शाल है वह जेल के पास क्या हो जाता है पहुँच जाता है। ऐसे लुढ़क गए ऐसे हमने इसको पलट दिया, जब रोलिंग मोमेंट ऐसे किया तो इसका साल जो है क्या हो गया, सारा का सारा यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के पास आ गया। और जब इस मेम्ब्रेन के पास जाएगा तो बाहर फेरी फेरी रीजन में क्या है, जेल वाला पोर्शन,
जेल के अंदर आसानी से यह क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा और उसके अंदर सेल क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। तो जब इंटर उसने करेगा तो जेल को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और वहां पर एक फोर्स क्रिएट करेगा और उस प्रेशर से क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। देखिए मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, साल चला गया जेल के अंदर, अब इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और फूड के चारों तरफ क्या कर दिया, जो साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू इस फूड को इन्होंने घेर लिया और फिर मेम्ब्रेन का एक यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया। और यह देखिए ना, अब यह जो फूड है वह कहाँ चलाया, फूड वैक्यूल के अंदर यह फूड चलाया। देखिए यह फूड वैक्यूल है और इस फूड वैक्यूल के अंदर आप देखेंगे यह फूड चला है। अब इसका डाइजेशन इसके अंदर होगा। अब देखिए इसकी बॉडी पहले कुछ और थी, अब देखिए नया एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। तो यह इररेगुलर शेप की हमने बात किया, तो साल जो है कन्वर्ट हो गया जेल के अंदर एंटर करके और फिर जो है जेल जो है पेरिफेरी में रह गया और फिर साल जो है चलाया, यानी साल का जेल में और जेल का साल में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इसके थ्रू ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को जो है इंजेक्शन करके बॉडी के अंदर ला लेता है और फिर फूड वैक्यूल के अंदर इसका क्या कर लेता है, डाइजेशन इसका कर लेता है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ऑस्मोरेगुलेशन का जो फंक्शन है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हो रहा और दूसरा सूडोपोडिया के थ्रू जो है लोकोमोशन भी हो रहा और फूड डाइजेशन भी हो रहा। इसीलिए बॉडी अब इधर फूड अगर कोई मिल जाए तो इधर के सूडोपोडिया बॉडी ऐसे रोटेट करेगी और रोटेट करके क्या करेगी, इसकी बॉडी अब नया सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे ब्रेक करेंगे मेम्ब्रेन को और फिर फूड को अंदर ले आएंगे और फिर नया सूडोपोडिया। इसीलिए इसको बोला जाता है इररेगुलर शेप, इसका नाम दिया गया, यानी अनिश्चित आकार होता है इसके बॉडी का, फिक्स नहीं होता, इसीलिए इररेगुलर नाम अनियमित आकार का होता है, तो बॉडी फिक्स नहीं होती। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें आप देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है, पिछले वीडियो में भी आपसे जब हमने बात किया था तो उसमें हमने बताया था प्रोटिस्टा में कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ पर जो है यह पाया जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, रीजनरेशन भी पाया जाता है बॉडी के अंदर, अगर हम लोग देखें तो रीजनरेशन में जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो यह बहुत सारे अमीबा बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पुटअप करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो अमीबा है वह सामान्य वातावरण में यानी फ्रेश वाटर प्लांट डेटेक्स में पाए जाने वाले यह एनिमल है, तो इसको हम समुद्र के अंदर अगर ले जाकर इसको अगर रख दें इस अमीबा को, तो इसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉडी के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गया, यहाँ यह सामान्य जल में रह रहा था, सामान्य वाटर में रह रहा था, तो बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो है आप देखें कि आसानी से इजिली फॉर्म ऑफ वाटर इसके बॉडी के अंदर आ जा रहा था और आसानी से इसका रेस्पिरेशन भी हो जाता, जो वाटर आएगा इसके बॉडी के अंदर उसमें डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होगा उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्या करता है, रेस्पिरेशन का कार्य कर लेता है। तो यहाँ पर यह इजिली फॉर्मेस की बॉडी जो है पूरी फिजियोलॉजी फंक्शन को यहाँ पर कर रही है, और यदि इसको हम रख दें अगर साल्ट वाटर यानी सी के अंदर इसको अगर डाल देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाएगा और बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर बॉडी से ही जो है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस होने लगेंगे, यानी बॉडी से क्या होगा जो लिक्विड मटेरियल है इनका जो साइटोप्लाज्म है वह रिलीज होकर जो है सी के अंदर जाने लगेगा यानी समुद्र में जो है जाने लगेगा और अमीबा की बॉडी जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और डेथ भी हो सकता है। तो यह जो है एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछा जाता है कि सामान्य जल में रहने वाला अमीबा को यदि हम सी वाटर में या समुद्र में इसको रख देते हैं तो इसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यह जो है अब ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात आपसे करेंगे।